हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे कैरी फॉस्टर ब्रिज का यूज करते हुए अननोन रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड डिफरेंस बिटवीन टू स्मॉल रेजिस्टेंस के एक्सपेरिमेंट में पूछे जाने वाले वाइवा के क्वेश्चंस के बारे में। देखिए, आपके पास ऑब्जेक्ट या क्वेश्चन कुछ इस टाइप से दिया होता है कि टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ऑफ वायर एंड टू डिटरमाइन द डिफरेंस बिटवीन टू स्मॉल रेजिस्टेंस यूजिंग कैरी फॉस्टर ब्रिज। तो ये दो टाइप के ऑब्जेक्ट्स या क्वेश्चंस आपको एग्जामिनर पूछता है। ओके, तो अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो कि कैरी फॉस्टर ब्रिज के वाइवा में अक्सर पूछे जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट जो है वो है कैरी फॉस्टर ब्रिज होता क्या है। देखिए, जैसे आपने एक मूवी देखी होगी रोबोट, और उसके बाद आई रोबोट 2.2, वैसे ही कैरी फॉस्टर ब्रिज भी एक वर्जन है, नया वर्जन है किसका, मीटर ब्रिज का। जैसे मीटर ब्रिज आपने 12th क्लास में पढ़ा ही होगा, जिसका की वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या आई बटन पर मिल जाएगा। ये मीटर ब्रिज 2.0 है, यानी कि कैरी फॉस्टर ब्रिज मीटर ब्रिज का एक इम्प्रूव्ड वर्जन है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरी फॉस्टर ब्रिज किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो इसका आंसर होगा, कैरी फॉस्टर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर काम करता है, जो कि आप सब जानते ही हैं, P/Q = R/S होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरी फॉस्टर ब्रिज मीटर ब्रिज से कैसे अलग होता है। देखिए, मैंने ये तो बता दिया आपको कि कैरी फॉस्टर ब्रिज मीटर ब्रिज का एक इम्प्रूव्ड वर्जन है, यानी मीटर ब्रिज 2.0 है, लेकिन अलग कैसे होता है ये, इसमें देखिए क्या होता है। इसका आंसर होगा, देखिए जो मीटर ब्रिज होता है वो कम सेंसिटिव होता है एज कम्पेयर टू कैरी फॉस्टर ब्रिज के, तो जो कैरी फॉस्टर ब्रिज होता है वो ज्यादा सेंसिटिव होता है, वो ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट आपको देता है। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से बोल सकते हैं, इन कैरी फॉस्टर ब्रिज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीजेस विदाउट इंक्रीजिंग द एक्चुअल लेंथ, ऑन अकाउंट ऑफ दिस इट्स सेंसिटिविटी इंक्रीजेस, एक्सपेक्ट दिस, देयर इज नो नीड ऑफ एंड करेक्शंस इन दिस ब्रिज। तो आप बस इतना सा याद रखिए कि कैरी फॉस्टर ब्रिज एक इम्प्रूव वर्जन है और ज्यादा सेंसिटिव है, ज्यादा मोर एक्यूरेट रिजल्ट देता है एज कम्पेयर टू मीटर ब्रिज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेसेसरी क्यों है कि रेजिस्टेंस चारों आर्म्स में सेम होना चाहिए। देखिए, ये जो चार आर्म्स आपको दिख रही है सर्किट डायग्राम के अंदर, इसका आंसर होगा, जब चारों आर्म्स के रेजिस्टेंस सेम होंगे तभी ब्रिज की सेंसिटिविटी मैक्सिमम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ रेशो आर्म्स आर ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग अ रियोस्टेट, यानी कि रेशो आर्म्स जो होते हैं उन्हें धारा नियंत्रक या रियोस्टेट का यूज करके कैसे ऑब्टेन्ड किया जाता है, कैसे प्राप्त कर लिया जाता है। इसका आंसर होगा, द टू रेशो आर्म्स आर ऑब्टेन्ड बाय कनेक्टिंग द टू फिक्स्ड टर्मिनल टू ए एंड सी। देखिए, जो रेशो आर्म्स है उनको कनेक्टेड किया जाता है दो टर्मिनल जिनको ए एंड सी नाम दिया गया है, और जो अपना बी पॉइंट है उसको स्लाइडिंग टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6, व्हाट इज द मटेरियल ऑफ ब्रिज वायर। देखिए, ब्रिज वायर में कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है। इसका आंसर होगा, देखिए जो वायर होता है वो सम एलॉय या मिश्र धातु का बना होता है, जनरली ये वायर यूरेके और मैग्नीन से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7th, द गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड इज शंटेड एंड द शंट इज रिमूव्ड टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ द नल पॉइंट, वाई। देखिए, इसका आंसर होगा, पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, जो गैल्वेनोमीटर यूज किया जाता है वो शंटेड होता है, और शंट को रिमूव करके हम एग्जैक्ट नल पॉइंट का पता लगा सकते हैं। ऐसा क्यों है, एग्जैक्ट नल पॉइंट की पोजिशन का पता लगा सकते हैं ऐसा क्यों। तो देखिए, इसका आंसर होगा, शंट इज यूज इन द गैल्वेनोमीटर इन द बिगिनिंग इन ऑर्डर टू सेव इट फ्रॉम डैमेजिंग ड्यू टू हाई करंट। देखिए, जो शंट का यूज किया जाता है वो बिगनिंग में किया जाता है, यानी कि शुरुआत में ही शंट का यूज किया जाता है हमें गैल्वेनोमीटर को डैमेज होने से बचाने के लिए। ओके, नियर नल पॉइंट द करंट बिकम्स वेरी स्मॉल द हैंस शंट इज रिमूव्ड एंड एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ नल पॉइंट इज डिटरमाइंड। और देखिए, जो नल पॉइंट के पास है वो करंट क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा स्मॉल हो जाती है, जिससे कि हम शंट को रिमूव करके नल पॉइंट का पता लगा सकते हैं, क्योंकि वहां पर करंट क्या हो जाएगी, वेरी स्मॉल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्रिज वायर।
तो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्रिज वायर क्या होंगी, देखिए द ब्रिज वायर इज मेड ऑफ सच एन एलॉय हुज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज हाई एंड टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस इज लो। यानी कि जो वायर होगा वो ऐसा बना होगा, ऐसे एलॉयज या मिश्र धातुओं का बना होगा जिसका कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वो तो ज्यादा होना चाहिए, यानी रॉ की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, यानी टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी अल्फा इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए, यानी रॉ ज्यादा अल्फा कम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 9th है, व्हाट इज द हार्म इफ द की इन द सेल सर्किट इज कैप्ट क्लोज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखिए इसकी क्या हानि होगी या क्या नुकसान हो जाएगा यदि की को सेल सर्किट में क्लोज करके ही रखा जाए एक लंबे समय के लिए, यानी लंबे समय के लिए अगर ऑन छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, इसे क्या नुकसान हो जाएगा, इसे आप थोड़ा सा लॉजिकली भी सोच सकते हैं। देखिए इफ की इज कैप्ट क्लोज फॉर अ लॉन्ग टाइम देन करंट फ्लोज कंटिन्यूसली। ओके आपको पता है कि अगर आप ज्यादा देर तक उसको छोड़ के रख दोगे तो करंट का फ्लो क्या होगा, कंटिन्यूसली हो जाएगा। विच हिट्स अप द वायर एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर चेंजेस। यानी कि इससे क्या हो जाएगा कि वायर हीट, बहुत ज्यादा हीट आ जाएगी वायर में, क्यों, क्योंकि करंट का फ्लो अगर ज्यादा देर तक होगा तो इससे वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो कि फ्लो हो रहे हैं उनमें कोलिजन स्टार्ट हो जाएगा, जिससे कि वायर के अंदर हीट प्रोड्यूस ज्यादा हो जाएगी और जिससे कि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ में इंक्रीज हो जाएगा। जैसे कि आप जानते ही हैं कि कंडक्टर्स के अंदर टेम्परेचर का इंक्रीमेंट रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है, जिससे कि रेजिस्टेंस वायर के हर यूनिट लेंथ पर चेंज हो जाएगा। ओके तो इसलिए ज्यादा देर तक अपन को स्विच को चालू करके नहीं छोड़ना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आगे देखते हैं, व्हाट इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड अपॉन व्हाट फैक्टर डज इट डिपेंड। देखिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है और ये किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, आपसे बस इतना सा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। ओके तो देखते हैं इसका आंसर, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ऑफ दैट मटेरियल ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। जैसा कि आपने बचपन में पढ़ाई होगा R बराबर रो एल अपॉन ए। ओके जिससे कि रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल हो जाता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल एंड इट्स टेम्परेचर। देखिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो नेचर के मटेरियल और उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 11th जो है वो है, अपॉन वॉट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर डिपेंड। किस फैक्टर पर वायर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, तो देखिए इसका आंसर होगा द रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड्स अपॉन इट्स लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी रेडियस, जो वायर होता है उसकी रेडियस, टेम्परेचर एंड द नेचर ऑफ इट्स मटेरियल। ओके तो इन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यानी कि लेंथ के इंक्रीमेंट से रेजिस्टेंस बढ़ता है, एरिया के इंक्रीमेंट से रेजिस्टेंस कम होता है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। ओके और आपने टेम्परेचर के बारे में पढ़ा होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती है, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चंस में बताया था आपको। ओके देखिए 12th क्वेश्चन है, इज दिस ब्रिज यूज्ड टू मेजर हाई रेजिस्टेंस। क्या ये कैरी पोस्टल ब्रिज मेजर कर सकता है हाई रेजिस्टेंस को, तो देखिए इसका आंसर होगा नो, ये हाई रेजिस्टेंस को मेजर नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन द टू रेजिस्टेंस कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रिज। जो आप दो रेजिस्टेंसेस निकालेंगे उनके बीच का डिफरेंसेस निकालेंगे वो डिफरेंस कितना होना चाहिए जो कि इस ब्रिज से आप फाइंड कर सकें, तो देखिए वो डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन द टू रेजिस्टेंसेस शुड नॉट बी मोर देन द रेजिस्टेंस ऑफ द होल ब्रिज वायर। यानी कि पूरे ब्रिज वायर से ज्यादा उसका जो डिफरेंस है रेजिस्टेंसेस का वो नहीं होना चाहिए। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th, वो है why should the position of the null point near the middle of the wire। देखिए null point का क्वेश्चन एक और आया था, मैंने ये बताया था null point कैसे find कर सकते हैं। अब है null point, अक्सर आपने देखा भी होगा null point हमेशा बीच में मिलता है जहां पर करंट की वैल्यू nearly small या very small हो जाती है। ओके तो वो हमेशा बीच में ही क्यों, मिडिल में ही क्यों मिलता है हमको, तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर हो जाएगा इफ द null point इज नियर द मिडिल ऑफ द वायर देन द एरर इज मिनिमाइज्ड एंड डेंसिटिविटी इज इंक्रीज्ड। यानी कि अगर नल पॉइंट मिडिल
ऑफ दी वायर होगा, मिडिल में होगा, तो इससे एरर क्या होता है, मिनिमाइज्ड होता है और जो सेंसिटिविटी है वो इंक्रीज्ड हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th, व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दी रियो स्टेट। देखिए इसका मतलब है कि रियो स्टेट के मैग्नीट्यूड का ऑर्डर क्या होना चाहिए, तो इसका आंसर होगा द रेजिस्टेंस ऑफ द रियो स्टेट मस्ट बी लो एंड इट शुड बी द ऑर्डर ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द होल वायर, यानी कि ये भी इसका रेजिस्टेंस जो होना चाहिए बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस अगर कम नहीं होगा ये इफेक्ट करेगा हमारे रिजल्ट पर, तो इसका रेजिस्टेंस कम होना चाहिए और ये ऑर्डर ऑफ वायर होल वायर के ऑर्डर का ही होना चाहिए, यानी कि जो आपने वायर यूज किया है उसका जितना रेजिस्टेंस है उसी स्केल पे इसका भी रेजिस्टेंस होना चाहिए। ओके, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कैरी फोस्टर ब्रिज के वाइवा क्वेश्चंस में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो में जरा भी कुछ सीखने को मिला है तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक करना ना भूलें। अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कीजिए, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।